आप सब लोग, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और इन अवर न्यू ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग है वो ये है कि आज हम जा रहे हैं हल्द्वानी से लोहाघाट की ओर। तो पूरे 15 दिन हम यहाँ पर रुके और अब इसके बाद हम जा रहे हैं आज लोहाघाट, और आज की जर्नी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये है मेरी पुच्चा बेबी जो तैयार हो चुकी है जाने के लिए। और ये जब से पैदा हुई है ना, इसकी मतलब इसकी लाइफ में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, बस ट्रैवल करते रहिए जब से ये पैदा हुई है। अभी हम पहुँचे हैं मुखानी चौराहे पर और इसके थोड़ा सा पीछे ही हम रुके हुए थे अपनी सिस्टर इन लॉ के वहाँ पर। और सामने से आप देख सकते हो जो मतलब जहाँ पर हम रुके थे वो जयश्री हॉस्पिटल के थोड़ा सा नज़दीक ही है। तो अब हमने अपनी जर्नी यहाँ से आगे को स्टार्ट कर ली है और जो आज का ब्लॉग है वो ट्रैवल ब्लॉग होने वाला है। अभी हम लोग पहुँचे हैं सितारगंज पे, और सितारगंज पे रुकने का कारण कि मोमो ले रहे हैं साइड से। तो वहाँ देखो आपको दिख रहे होंगे ना, हाथ याद दिख रहा होगा, तो गए हैं वहाँ पर मोमो लाने के लिए। और इसकी तो बिल्कुल नींद आ रखी है इसको, और गर्म इतना ज़्यादा हो रहा है ना, मतलब जाड़ों का मौसम आ चुका है लेकिन ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। अब मोमो वगैरह हमने खा लिए हैं और हम सितारगंज से आगे की ओर निकल रहे हैं। खटीमा अभी हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और खटीमा में थोड़ा सा हम रुके और फिर उसके बाद यहाँ से आगे को हमारी जर्नी कंटिन्यू होती जा रही है। अभी जो हमारी जर्नी चल रही है, मतलब ट्रैवलिंग जो अभी हम कर रहे हैं वो टनकपुर में कर रहे हैं। तो खटीमा से आगे हम निकल चुके हैं अब टनकपुर की साइड, और टनकपुर से फिर आगे की ओर वो पहाड़ी रास्ता आ जाता है। उधर देख सकते हैं आप, पहाड़ आपको दिख रहे होंगे बनबसा साइड को। अभी हम पहुँच चुके हैं टनकपुर ककराली गेट के पास, मतलब सितारगंज टनकपुर जो हाईवे है नेशनल हाईवे 125 पर। और यहाँ पर अभी हम रुक रहे हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए रुके हैं और आगे जाकर फिर रुकते हैं और फिर आपसे मिलते हैं और ऐसे ही ब्लॉग को कंटिन्यू करते रहते हैं। प्लेन एरिया क्रॉस करने के बाद अब हम आ चुके हैं पहाड़ वाली एरिया पर। तो आप देख सकते हैं पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं बीच बीच में टापू जैसे, और ये रीजन मुझे बहुत सुंदर लगता है। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं, हाँ ठीक है, तो वो सामने से गडेरी खरीद रहे ना, इसलिए मुझे पूछ रहे हैं कि कौन सी वाली लूँ। तो पर थोड़ी देर के लिए हम रुके हुए हैं क्योंकि यहाँ से हमें थोड़ा सा सामान लेना है, और सूखी ढाग में ना अचार सबसे अच्छा मिलता है, और जो गडेरी होती है यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस होती है। तो अचार तो मतलब ये सूखी ढाग अचार के लिए फेमस है, और जैसे बांस का अचार मिलता है यहाँ पर, नींबू का अचार मिलता है। सूखी ढांग की जो मार्केट है वो छोटी सी है, मतलब लोकल मार्केट है ये यहाँ की, और जैसे कि मैंने आपको बताया अचार वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो कभी भी आपको अचार वगैरह लेना हो ना तो आप यहाँ से ले सकते हैं। सूखी ढांग से आगे निकलने पर चलती पर ये धनुष वाली एक पुल है, और ये जो पुल है अंग्रेज़ों के टाइम से है और इतनी पक्की पुल है। इसी बगल में एक नई पुल बन रही है जो बनने के बाद एक बार टूट चुकी है, लेकिन ये तब से अभी तक है। सूखी ढांग पहुंचने के बाद मैं ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई, और रीज़न ये रहा कि ये रोने लग गई थी बहुत ज़्यादा, तो फिर इसको गोद में पकड़ना पड़ा, मतलब फ़ोन पकड़ने का टाइम नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग नहीं की, और उसके बाद मैं घर आ गई, और घर आकर चेंज वेंज किया। तो आज ही जो मेरी बेटी को 2 मंथ भी कंप्लीट हो रहे हैं, तो 2 मंथ कंप्लीट होने के लिए मैंने ये सोचा था कि मैं उसकी कुछ फ़ोटोशूट वगैरह कराऊंगी या फिर कुछ उसका थोड़ा सा वीडियो वगैरह बनाऊंगी, ताकि इस मेमोरी को मैं आगे के लिए अपने पास मतलब रख सकूं, सेव कर सकूं। तो कैसे उसकी मतलब मैंने क्या किया उसको, कैसे उसका जो डे है वो मेमोरेबल बनाए फ्यूचर के लिए भी और अपने लिए भी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं। इसके 2 मंथ कंप्लीट होने पर कुछ मैंने ऐसे वीडियोस बनाई, पर इसने मेरे को एक भी वीडियो बनाने ही नहीं दिया क्योंकि ये बस रोते ही जा रही थी।
तो फिर मैंने भी इसकी बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई, बस जो बनाई है वो आगे वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्यारी मेरी गुड़िया, पलकों से पूछो जरा, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा सपन। सुन सुन मन ही लोरी की धुन, हो जाओ मेरे सपनों में हो, तू मेरा सूरज है। मुझको तूने तो हर खुशी दे दी, मेरे मालिक करम तुम्हारा है। मेरे परी परी है एक परी, आसमां से आ गिरी, सामने मेरे खड़ी, मुझे उससे प्यार हो गया। फोटोशूट वगैरह तो हो चुका है, लेकिन अब मुझे बहुत सारे काम भी करने हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि पीछे कैसा हो रखा है, कंबल वगैरह ये सब कुछ मतलब, और यहाँ जो कपड़े उपड़े हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद इस रूम पे आ रखे हैं, तो सामान पूरा ख़राब हो रखा है, अस्त व्यस्त है, तो सारा सामान मुझे सबसे पहले ठीक करना है। और अपना जो वर्क है वो भी मैं करती रहती हूँ, और आपके साथ अपनी ब्लॉग की शूटिंग भी करती रहती हूँ। तो आज तो सबसे पहले मुझे यही करना है कि जो भी डिब्बे वगैरह हैं इनको अच्छे से रख देने हैं, ताकि मतलब ठीक रहे पहले से, क्योंकि बीच में मेरे हस्बैंड घर आए थे, तो मतलब इन दिनों में यहाँ उन्हीं का राज था, तो उन्होंने थोड़ा यहाँ बहुत ज़्यादा खराब कर रखा है, सारा सामान इधर का उधर और सारी चीज़ें इधर से उधर रखी हुई है। तो आज का मेरा टोटल काम यही है, और अब जो वर्क है मेरा वो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है, और अब थोड़ा सा करना है मुझे रेस्ट। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। ब्लॉग अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में और एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग अवर चैनल एंड बाय बाय।